Hello, good afternoon. Good afternoon, Kaushik. आई गेस द इमेज इज क्लियर. बोर्ड पे इमेज क्लियर है. आवाज भी आ रही होगी प्रॉपरली. चलो लेट अस बिगिन देन. हमारा फाइलम नॉन कॉर्डेट जो था दैट इज ओवर, खत्म हो चुका है वो. वी आर डन विद पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा. राइट, इकाइनोडर्मेटा तक खत्म हो चुका है. वी हैव सीन ऑल द रिस्पेक्टिव फाइलम्स देयर. और उसके अलावा हमने हेमिकॉर्डेटा भी कंप्लीट कर लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू फाइलम कॉर्डेटा. ओके, we'll be moving to for phylum chordata. आज हम लोग phylum chordata के बारे में पढ़ेंगे. Phylum chordata की पहले special characteristics क्या है? What are the characteristics जो कि important है for phylum chordata, for knowing phylum chordata? First of all, जब भी बोल रहे हैं phylum chordata है तो it should have a notochord. Notochord present होना ही चाहिए. चाहे किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द एनल रीजन और वेदर इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू द टेल, पर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना इज अ मैंडेटरी. ओके, तो नोटोकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट कभी भी, या तो लार्वल स्टेज में हो, अडल्ट स्टेज में हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड हैज टू बी प्रेजेंट. सेकेंडली, अभी तक जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हमने देखे थे, इनवर्टिब्रेट्स के केस में द नोटोकॉर्ड वॉज वेंट्रल. ओके, जनरली क्या होता है, अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी. तो अगर हम जनरली बात करें तो हमारा नोटोकॉर्ड किधर होता है? हमारा नोटोकॉर्ड डॉर्सली प्लेस्ड होता है. राइट, हमारा नोटोकॉर्ड डॉर्सली प्लेस्ड होता है. हमारा हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है, इजंट इट? हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है और जो नोटोकॉर्ड है दैट इज डॉर्सली प्लेस्ड. पर इनवर्टिब्रेट्स के केस में इसका उल्टा होता था. इनवर्टिब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड जो है वो वेंट्रल होता है और हार्ट डॉर्सल होता है. तो फाइलम कोडेटा कोडेटा में वी सी दैट डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इंपॉर्टेंट. हमारा जो नर्व कॉर्ड होता है दैट इज नॉट सॉलिड. नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वॉज सॉलिड, बट यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज नॉट सॉलिड, इट इज हॉलो. ठीक है, पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलता है. इफ गिल्स विल बी प्रेजेंट इट हैज टू बी पेड एंड वील सी फेरिंजियल गिल स्लिट्स, मतलब फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, जितने भी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वी नो कि उनमें बायलेटरल सिमेट्री होता है. इफ यू वांट टू कट अ मैन इनटू टू हाफ्स यू कैन डू इट ओनली बाय वन प्लेन पासिंग थ्रू इट. ठीक है, सिर्फ एक प्लेन के थ्रू इसे कट कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल. ऑल द एडवांस्ड एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. सारे ही तीन लेयर्स के बने होते हैं. सो ऑल ऑफ देम विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ऑल ऑफ देम विल बी सीलोमेट. सारे ही हायर ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर सीलोमेट. ए सीलोमेट हमने देखा था प्लैटीहेलमिंथस तक और स्यूडो सीलोमेट देखा था एशिलमिंथस तक. उसके आगे के सारे सीलोमेट्स हैं. यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी में देखो सिर्फ ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन प्रेजेंट है एंड द ब्रेन इज एक्टिंग ऑन इट सेल्फ, सिर्फ अकेला काम कर रहा है, पूरे बॉडी को संभाल रहा है. नो, द ब्रेन इज एक्टिंग विथ मेनी अदर सिस्टम्स, मेनी अदर ऑर्गन्स एंड दैट इन टोटालिटी इज फॉर्मिंग द ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो हमें कॉर्डेट्स के केस में देखने को मिलता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन. हमारा सिस्टम जो है हमारी बॉडी में जो हार्ट है या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज क्लोज्ड. क्लोज का मतलब कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज अकरिंग थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज. ओके, वेसल्स के थ्रू ब्लड पास हो रहा है. अ पोस्ट एनल टेल इज विजिबल. पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है. डायग्राम इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी पोस्ट एनल टेल का. तो पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है इन केस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. ओके,
अब फाइलम कॉर्डेटा को हमने पहले ही तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था. फाइलम कॉर्डेटा हैड बीन डिवाइडेड इनटू थ्री. एक था यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. ट्यूनिक क्या होता है? ट्यूनिक इज अ टाइप ऑफ ड्रेस. इट्स अ टाइप ऑफ टॉप दैट गर्ल्स वेयर. ओके, अ ट्यूनिक इज अ ड्रेस दैट इट्स अ टॉप दैट गर्ल्स वेयर. ओके, सो ट्यूनिकाटा व्हाई? क्योंकि ये जो है ये ट्यूनिक की तरह नजर आता है. ओके, इट लुक्स लाइक अ टॉप. इट लुक्स लाइक अ टॉप, सो इट्स नोन एज ट्यूनिकाटा. ऑल राइट, नेक्स्ट है फाइलम वर्टिब्राटा. सब फाइलम वर्टिब्राटा जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके अंदर जो फर्दर डिविजन है उसे पढ़ना है. एंड टॉकिंग अबाउट फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. सिफाइलो मीन्स हेड, यूरो मीन्स टेल. ओके, सिफेलो मीन्स हेड एंड यूरो मीन्स टेल. चलो आगे देखते हैं. फाइलम वर्टिब्राटा को जब हम डिवाइड करेंगे इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ. जॉ प्रेजेंट है या नहीं उसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं. तो जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता वी कॉल देम एगनाथा. एगनाथा, ओके. और जिनके माउथ में, जिनके स्टोमाटा में जॉ का कवरिंग हो, जॉ प्रेजेंट हो माउथ में, दैट विल बी नोन एज नैथोस्टोमाटा. नैथो टर्म इज कमिंग फ्रॉम जॉ एंड स्टोमाटा इज माउथ. सो नैथोस्टोमाटा विल बी जॉड फिशेज. ओके, नैथोस्टोमाटा विल बी जॉड फिशेज और जॉड एनिमल्स. जॉड एनिमल, जॉड एनिमल्स को हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं. एक है हमारे पास पाइसेस. पाइसेस मींस फिशेस. जितने भी फिशेस होते हैं वी कॉल देम एज पाइसेस. एक होता है पाइसेस और दूसरा सुपर क्लास होता है टेट्रापोडा. यस, करेक्ट करेक्ट, गुड. जो भी सही आंसर्स दे रहे हैं ऑन द चैट बॉक्स, वेरी गुड. तो पाइसेस इज फर्दर डिवाइडेड. फिशेस जो है वो फर्दर डिवाइडेड है कॉन्ड्रिक्थीज में और ऑस्ट्रिक्थीज में. टेट्रापोडा हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एप्स एंड मेमिलिया. तो इससे हम लोग फेमिलियर हैं. ये जो डिविजन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन से हम फेमिलियर हैं. सो लेट्स मूव अहेड देन. एक एक को अकेले अकेले देखते हैं. यूरोकॉर्डेट. यूरोकॉर्डेट मीन्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल. यूरो मीन्स द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम फॉर टेल. तो नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट इन ओनली द टेल. और टेल में किसके? तो एडल्ट के टेल में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है. द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल. ओके, ओनली इन द लार्वल टेल. एग्जाम्पल क्या होता है इसका? असीडिया सैल्पा एंड डॉलियोलम. वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स हियर, असीडिया सैल्पा एंड डॉलियोलम. यूरोकॉर्डेट्स को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं. टॉकिंग अबाउट सिफेलोकॉर्डेट. सिफेलो का मतलब होता है हेड. तो जिनमें हेड रीजन में नोटोकॉर्ड, जिनमें हेड से लेकर के टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहे और सिर्फ लार्वल स्टेज में नहीं पूरी लाइफ प्रेजेंट रहे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेट. तो नोटोकॉर्ड कब से कब तक प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द हेड रीजन टू द टेल रीजन. ओके, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किस स्टेज में प्रेजेंट है और कहां से कहां तक प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे यू मे गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. जनरली इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट द एग्जाम्पल्स. इसका एग्जाम्पल याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम भूल जाते हैं मोस्टली. तो इसके एग्जाम्पल्स पे ध्यान रखना कि यूरोकॉर्डेटा इज एसीडिया सैल्पा डोलियोलम एंड सिफेलोकॉर्डेटा इज ब्रैंकियोस्टोमा. ठीक है, सो एंड टुगेदर टुगेदर यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, ये जो है ये हमारे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं. ठीक है, पहले आए थे ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. तो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स को वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज प्रोटोकॉर्डेट्स. ऑलराइट, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कैन ऑल्सो बी नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स. फाइलम वर्टिब्राटा के बारे में अगर बात करें तो फाइलम वर्टिब्राटा में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. पर वर्टिब्रल कॉलम कैसे प्रेजेंट होता है? इनिशियली फाइलम वर्टिब्राटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनिशियली उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. दिस नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड. दिस नोटोकॉर्ड हियर इट विल गेट रिप्लेस्ड. जब एक बेबी इज not even born, उस time पे notochord present होगा. ठीक है, so we can write in young ones. In young ones, notochord is present, but as the
baby advances, as it develops, the notochord will get converted into vertebral column. Okay, notochord will get converted into vertebral column. Notochord is replaced by vertebral column. किस में? वर्टेब्रेटा में. ओके, सो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन वर्टेब्रेटा. पहले हम लोग एक नाथा देखेंगे, मतलब कि विदाउट जॉ वाले ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे. उसके बाद वील मूव ऑन टू नाथोस्टोमाटा. तो पहले लेट्स फोकस ऑन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. तो पहले हम फोकस करेंगे एक नाथा पे, विदाउट जॉ वाले पे. ठीक है, तो एक नाथा में वी हैव टू डिविजन्स हियर. एक नाथा जिनके पास जॉ नहीं प्रेजेंट है. अब देखो, फिशेस में जॉ प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिशेस में वी नो दैट फिशेस में जॉ प्रेजेंट होता है. उन्हें ऐसे देखोगे, ऐसे लिप से करते हुए उन्हें, सो द फिशेस विल हैव जॉ. बट इन एक नाथा देयर इज नो जॉ प्रेजेंट. एक नाथास आर ऑफ टू टाइप, ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा, दो तरह के होते हैं. नाउ दीज ऑस्ट्राकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा जो है, ऑस्ट्राकोडर्मी इज एक्सटिंक्ट नाउ, बट इन्हें आप बोल सकते हो कि दीज वो प्रिमिटिव फिशेस. जो पहले कॉर्डेट्स आए ना हमारे पास, आफ्टर यूरो कॉर्डेटा एंड सेफालो कॉर्डेटा, द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस वर ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा. ऑस्ट्राकोडर्मी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे दैट एवर केम इन टू एग्जिस्टेंस, बट अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अब ये एक भी नहीं मिलते हैं. कैसे होते थे ये? तो इनकी बॉडी जो है दैट वाज कवर्ड विथ हार्ड स्केल. आज के फिशेस को देखोगे तो यू विल सी दैट द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स दैट कैन बी इजली रिमूव्ड. सॉफ्टर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? पर उस समय जो ऑस्ट्राकोडर्म्स थे उनके स्केल्स वो वेरी हार्ड, नॉट इजली इट कुड बी रिमूव. ठीक है, तो ऑस्ट्राकोडर्मी इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड इट इज वेरी रेयर कि आपसे ऑस्ट्राकोडर्मी पूछा जाए एग्जाम में, बिकॉज ऑस्ट्राकोडर्मी इज एक्सटिंक्ट नाउ. पर यहाँ पे बता दिया गया है बिकॉज इट कुड हेल्प यू इन एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में काम आ सकता है थोड़ा ये. ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखने जाए तो वी हैव सिफिलास्पिस. ओके, सिफिलास्पिस दिस इज द एग्जाम्पल. एक नाथा में एक दूसरा डिवीजन आता है दैट इज साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लोस्टोमाटा मतलब द माउथ इज साइक्लिक. लेट्स से दीज आर द लिप्स ऑफ द फिश, तो द माउथ विल बी साइक्लिक. इफ द स्टोमाटा दैट मीन्स द माउथ इज साइक्लिक इन शेप, इट इज सर्क्यूलर इन शेप, इट इज नोन एज साइक्लोस्टोमाटा. अब ये जो फिशेस होती हैं ये भी जॉलेस होती हैं, ये भी जॉलेस होती हैं. दे आर मोस्टली मराइन. मोस्टली मराइन मतलब खारे पानी में ही पाई जाती हैं, बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग. अब माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग का मतलब समझो, ये जो फिशेस हैं द साइक्लोस्टोम्स दे आर मराइन. ठीक है, बट वेन दे हैव टू ले एग्स और वेन दे हैव टू स्पॉन, स्पॉनिंग इज गिविंग बर्थ टू यंग वंस इन केस ऑफ फिशेस. तो जब इनको स्पॉन करना होता है, स्पॉन करना होता है, तो दे विल कम टू रिवर्स. ठीक है, रिवर्स में आती हैं ये. रिवर्स में दे विल ले एग्स, दे ले एग्स इन रिवर्स एंड देन द अडल्ट फिशेस विल डाई, द अडल्ट फिशेस विल डाई. अब ये जो एग होते हैं दे डेवलप एंड दे मूव बैक टू द मराइन एनवायरनमेंट. ये आज तक समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि जो बच्चे हु आर गेटिंग बॉर्न इन रिवर्स, जो कि नदियों में पैदा हो रहे हैं, उन्हें कैसे पता होता है कि मराइन में, मराइन एनवायरनमेंट में वापस जाना है, उन्हें अपने घर वापस जाना है. एंड दे गो टू द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए होते हैं. ठीक है, सो दिस फीचर इज एक्चुअली नोन एज एनाड्रोमस. एनाड्रोमस कैसे याद रखोगे आप कि मराइन टू फ्रेश वाटर एनाड्रोमस होता है? हमारे पास में दामोदर नदी है, राइट? इन झारखंड वी हैव द दामोदर नदी. नदी हमारे आसपास कोई भी समुद्र नहीं है. ठीक है, हमारे पास दामोदर नदी है या फिर हुगली, जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, हुगली नदी है. तो हमारे आसपास नदियां हैं, तो हमें जब फिशेस को बुलाना होगा तो हम क्या बोलेंगे? आना, राइट? आना आना. तो एनाड्रोमस इज व्हेन वी आर कॉलिंग देम फ्रॉम समुद्र टू नदी, क्योंकि हमारे आसपास नदी है. तो वी आर कॉलिंग देम फ्रॉम समुद्र टू नदी, तो दैट इज एनाड्रोमस. इसी को ऑपोजिट होता है कैटाड्रोमस. कैटाड्रोमस
कैटाड्रोमस में क्या होता है? कैटाड्रोमस में माइग्रेशन, कैटाड्रोमस में माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिवर टू सी ओशन, ठीक है, रिवर टू ओशन माइग्रेशन होता है. रिवर से जो फिशेस होते हैं दे गो टू द मराइन एनवायरनमेंट, ठीक है. तो कैटाड्रोमस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एनाड्रोमस. एनाड्रोमस याद कर लोगे तो कैटाड्रोमस याद हो जाएगा. आप फिशेस को बुला रहे हो आना, ठीक है, तो दैट इज मराइन टू रिवर्स. नाउ दीज फिशेस आर एक्टो पैरासाइट. ओके, एक्टो पैरासाइट. एक्टो पैरासाइट कैसे? कोई फिश प्रेजेंट होगी, लेट्स से दिस इज अ फिश हियर, तो ये जो हमारे पास साइक्लोस्टोम्स होते हैं ना, दे हैव सकर्स, दे हैव माउथ दैट इज सर्क्यूलर इन शेप. ये इन पे ऐसे चिपक जाएंगे और ये एक्टो पैरासाइट्स की तरह काम करेंगे. दे विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अदर फिशेस, ठीक है. तो ये एक्टो पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं. दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, इम्पॉर्टेंट. सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट जॉज, इम्पॉर्टेंट. प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक किडनी, प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक किडनी होता है इनमें. प्रोटोनेफ्रिक किडनी एंड मीजोनेफ्रिक किडनी आर नॉट वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किडनीज, तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. इनमें बस किडनी विडनी बनना स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो प्रोटोनेफ्रिक या फिर मीजोनेफ्रिक होगा, बहुत एडवांस किडनी नहीं होगा. अब साइक्लोस्टोमाटा के केस में नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है. नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही प्रेजेंट होता है. द हार्ट इज वीनस हार्ट, दैट मीन्स क्लोज सर्कुलेशन है, बट द हार्ट इज वीनस, दैट मीन्स द इम्प्योर ब्लड और द मिक्सड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटिन्यूअसली एक सर्कुलेशन में घूमता रहता है, ठीक है. तो जस्ट लाइक फिशेस, फिशेस का आई विल टेल यू अबाउट द हार्ट ऑफ फिशेस. तो जैसा फिशेस का होता है वैसा ही साइक्लोस्टोम्स का होता है. साइक्लोस्टोम्स आर स्टिल फाउंड इन नेचर. साइक्लोस्टोम्स अभी भी मिलते हैं, पर ऑस्ट्राकोडर्म्स जो हैं दे हैव बीन एक्सटिंक्ट. ऑस्ट्राकोडर्म्स जो हैं वो नहीं मिलते, बट दीज फिशेस साइक्लोस्टोम्स दे आर स्टिल प्रेजेंट. दे आर नॉट एग्जैक्टली फिशेस, बट इन्हीं से हमारे फिशेस का ओरिजिनेशन हुआ है, इन्हीं से फिशेस ऑरिजिनेट हुआ. मिग्जीन और लैम्प्रे इज द एग्जाम्पल हियर. पेट्रोमाइजन का कॉमन नेम है लैम्प्रे, मिग्जीन का कॉमन नेम है हैगफिश. नाउ द हैगफिश, वो हैगफिश को अगर देखोगे ना तो इट लुक्स लाइक अ बूढ़ी औरत, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ बूढ़ी औरत. इंग्लिश में हैग मीन्स विच, इंग्लिश में हैग मीन्स काइंड ऑफ विच. तो जब मराइन वाटर में हैग फिशेस को देखोगे, गूगल दैट, आई डोंट हैव मेनी डायग्राम्स फॉर यू राइट नाउ, एनसीआरटी में जो डायग्राम्स मेंशन है वही है. तो इफ यू गूगल इट तो देखोगे कि हैग फिशेज लुक लाइक विचेज इन द वॉटर. तो इसी से इनका नाम हैग फिश पड़ा है. कॉमन नेम इज हैग फिश एंड इट इज मिग्जीन, कॉमनली नोन एज मिग्जीन. साइंटिफिक नेम इज मिग्जीन. तो पेट्रोमाइजन एंड मिग्जीन आर द टू साइक्लोस्टोम्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट. ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है. ये थे एगनाथा, ये थे एगनाथा. नेक्स्ट हम बात करेंगे नाथोस्टोमाटा की. नाथोस्टोमाटा में वी हैव फर्दर टू डिविजन बेस्ड ऑन की फिन्स हैं या नहीं है. तो अगर फिन्स हैं तो हमारे पास आ जाते हैं फिशेस, ट्रू फिशेस, जिसको कि हम सुपर क्लास स्पाइसेस में डालते हैं. वी गेट द ट्रू फिशेस. थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, ठीक है. वी गेट द ट्रू फिशेस दैट इज स्पाइसेस, ट्रू फिशेस. अब जो हमारा सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ द टाइम पीरियड हैज बीन डिवाइडेड ऑन स्केल, अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है. तो देयर इज अ डिवोनियन पीरियड. डिवोनियन पीरियड जो है वो माना जाता है कि डिवोनियन पीरियड में देयर वर लॉट्स ऑफ फिशेस, फिशेस वर डोमिनेटिंग द अर्थ. डिवोनियन पीरियड में फिशेस वर डोमिनेटिंग द अर्थ. हाउ डू वी रिमेंबर डिवोनियन पीरियड? देव, देवोनियन पीरियड बोलो, ठीक है, देवोनियन पीरियड देव. नाउ देव से यू कैन रिमेंबर विष्णु, ठीक है, देव द सुप्रीम गॉड, वी कैन रिमेंबर अ गॉड विष्णु. तो विष्णु जो है, विष्णु का एक अवतार था, दैट वॉज फिशेज एंड ही वॉज स्टेइंग इन वॉटर.
विष्णु जी जो है ही स्टेज इन वॉटर अकॉर्डिंग टू आर माइथोलॉजीज विष्णु स्टेज इन वॉटर, ठीक है, वो पानी में रहते हैं, शेषनाग के ऊपर बैठे रहते हैं, वो शेषनाग के शरण में बैठे रहते हैं वो। तो देव से याद रखना, देव मतलब विष्णु, फिशेस तो डेवोनियन पीरियड, ठीक है। तो डेवोनियन पीरियड कब सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था, इट वॉज डेवोनियन पीरियड में सबसे ज्यादा क्या मिलते थे, फिशेज मिलते थे, ठीक है। तो डेवोनियन पीरियड फिशेज, ये याद रखना, ओके। चलो, स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज। तो इक्थ जो वर्ड है ना, इक्थी, ये जो वर्ड है दिस इज एक्चुअली फॉर फिशेज, इक्थियोलॉजी। अब देखो, ये जितने भी होते हैं दे आर एक्वेटिक, कोई भी फिश आपको जनरली पानी के अलावा बाहर में तैरता हुआ नहीं मिलेगा। देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि फ्लाइंग फिश जो है एक्सोसिटस, वो आपको कभी कभार एक एक तालाब से दूसरे तालाब उड़ उड़ कर जाती हुई नजर आ जाएगी। देर इज अ वीडियो विच इज वेरी पॉपुलर, आप सर्च कर सकते हो अबाउट क्या नाम बताया था अभी, एक्सोसिटस, एक्सोसिटस फ्लाइंग, एक्सोसिटस के बारे में यू कैन सर्च, एक्सोसिटस फ्लाइंग। सो इट कैन एक्चुअली फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, छोटे छोटे छलांग मारते हैं। तो जो छलांग मारते हैं एंड दे हैव फिन्स, तो ऐसा लगता है कि दे आर फ्लाइंग, ओके। सो यू कैन सर्च अबाउट एक्सोसिटस, इट इज नोन एज द फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक ही होते हैं। पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड, ओके। वर्टिब्रेट्स में अब हम कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पढ़ते हैं। तो पोइकिलोथर्मल मीन्स कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपना इंटरनल होमियोस्टेसिस, बाहर चेंज हो रहे एनवायरमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सके। जैसे हम ह्यूमंस जो हैं, वी आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग आर इंटरनल फिजियोलॉजी नो मैटर बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। दीज कोल्ड ब्लडेड और द पोइकिलोथर्मल फिशेस आर अनेबल टू डू दैट, ओके। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब जैसे आप शिप्स में देखते हो ना, ये फिजिक्स का कंसेप्ट लगता है। द एंटीरियर पार्ट हैज टू बी पॉइंटी, एंटीरियर पार्ट हैज टू बी पॉइंटेड, ठीक है, जिससे कि वेव्स को, वाटर करेंट्स को कट करके फिशेस फ्लो कर सके। तो दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे एरोप्लेन्स को देखोगे, एरोप्लेन्स कभी भी आपको ऐसे नहीं नजर आएंगे, इस तरह से एरोप्लेन्स नहीं नजर आएंगे, या शिप्स के सामने वाले पोर्शन राउंडेड नहीं होते हैं, दे विल हैव अ पॉइंटी एज एट द फ्रंट, ठीक है। तो फिशेस में भी पॉइंटी एज होता है, क्यों, बिकॉज द स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स देम फ्लोट, ओके, हेल्प्स देम स्विम। नाउ दिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, दैट इज योर हेड रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन। फिशेज में नेक नहीं प्रेजेंट होता है, देयर इज नो नेक प्रेजेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, टेल फॉर कटिंग वेव्स। यस पुष्कर, द स्ट्रीमलाइन बॉडी इज फॉर कटिंग वेव्स। डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट मीन्स डर्मल हमें पता है स्किन, तो स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कैटफिश, टॉर्पिडो, ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें आपको डर्मल स्केल्स नहीं मिलते हैं, बॉडी पे स्केल्स नहीं मिलते, द बॉडी इज स्मूथ। फिन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो फिन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द फिन्स कैन बी पेयर्ड और अनपेयर्ड। तो कॉडल फिन जो है, दैट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, दैट इज प्रेजेंट एट द बैक साइड, एंड कॉडल फिन्स इन मराइन फिशेस, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है कॉडल फिन। पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन आर पेयर्ड, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द फिश, एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेयर्ड, दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं। Mid dorsal fin is present somewhere here. Mid dorsal fin, this is your mid dorsal fin. Caudal fin is present at the back side. ठीक है, caudal fin is present at the back side. Pectoral fins जो होते हैं, pectoral fins and pelvic fins are present in these regions. Okay? तो pectoral और pelvic जो होते हैं, they are paired fins, और mid dorsal और caudal fins जो होते हैं, they are unpaired fins. ओके, अब इनमें ईयर नहीं होता। आगे के ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कि ईयर लाइक टिम्पेनम प्रेजेंट है, या कुछ ना कुछ हियरिंग एजेंट प्रेजेंट है। दे डू नॉट हैव एनी ईयर,
इनमें स्टैटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है और इनके जो फिन्स होते हैं ना यही इनको हेल्प करते हैं इन फिश इन स्विमिंग इन फाइंडिंग द डायरेक्शन. तो द फिन्स और द इंटरनल ईयर, ईयर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर. तो इनमें बस इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट होता है विच एक्ट्स एज द स्टैटो रिसेप्टर. स्टैटो रिसेप्टर मतलब बैलेंस मेंटेन करने में. ह्यूमंस में भी इंटरनल ईयर का काम होता है बैलेंस मेंटेन करना. तो सिमिलरली यहाँ पे फिशेस के केस में भी इंटरनल ईयर एक्ट एज स्टैटो रिसेप्टर, स्टैटो रिसेप्टर. ठीक है. हार्ट इज टू चेम्बर्ड. टू चेम्बर्ड के बारे में अगर बात करें तो हार्ट इज ओनली हैविंग वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल. ठीक है, एक एट्रिया प्रेजेंट होता है, एक वन वेंट्रिकल इज प्रेजेंट. हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट. यहां पर सिर्फ दो ही चेम्बर प्रेजेंट होता है हार्ट में. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? तो देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. इन द चैट बॉक्स राइट डाउन कि कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारे अंदर होते हैं और हमारा हार्ट कितना. यस, इट इज फोर चेम्बर्ड. हार्ट इज फोर चेम्बर्ड. ऑल्सो राइट डाउन कि हमारे अंदर कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं. इनका स्कल जो है दिस इज मोनोकोंडाइलिक. ओके, अ सिंगल कोंडाइल इज होल्डिंग द स्कल. लेट्स से दिस इज द स्कल. सो वर्टिब्रा का एक सिंगल कोंडाइल जो है उसके ऊपर स्कल बेस्ड है. ठीक है, हमारे अंदर कितने कोंडाइल्स होते हैं? वी आर डाइकोंडाइलिक ऑर्गेनिजम्स. हमारे अंदर दो कोंडाइल्स होते हैं ऑन विच द स्कल इज प्रेजेंट. ओके, सो बेसिकली वी आर हैविंग टू कोंडाइल्स हियर. सेवन नहीं, 12 भी नहीं, सेवन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ना. 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. Is it not 7 pair of cranial nerves? Check it, okay? Check it once. इनमें किडनी कैसी होती है? तो मेसोनेफ्रिक किडनी होती है. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट. यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ. ठीक है, बॉडी से ही रिमूव हो जाता है. यूरिनरी ब्लैडर की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, दे डोंट नीड अ यूरिनरी ब्लैडर हियर. ओके, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? इट्स 7 पेयर्स, राइट? इट्स 7 पेयर. फिशेस आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. यू वोंट फाइंड अ हर्माफ्रोडाइट फिश. मोस्टली हर्माफ्रोडाइट फिश देखने को नहीं मिलता है. फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है? फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल. डेवलपमेंट कैसा होता है? तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. यहां पर कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता है एज सच, बट जो बेबी फिशेस होते हैं वी कॉल देम एज फ्राई और हैचलिंग. इनका नाम है फ्राई. ठीक है, बेबी फिशेस को वी कॉल देम एज फ्राइज और हैचलिंग. ओके, सो दिस वॉज द आउटलुक. दिस वॉज द आउटलुक ऑफ पाइसिस. ठीक है, अभी आगे हम पाइसिस में डिविजन देखते हैं. व्हाई इज एवरीवन सेइंग 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स? Is it not 7 pair of cranial nerves? 7 or am I confused on something? Okay, I'll check. Take care. Pisces. Pisces ko ab hum distinguish karke dekhte hain. Shelly, it's 7 pairs, right? 7 pairs. Hai na, Shelly? Okay, I'll check that. पाइसिस के बारे में अगर हम बात करें, पाइसिस के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट पाइसिस, इनमें अगर हम डिविजन्स देखें, एक आउटर एक ओवरलुक तो हमने देख लिया पाइसिस का, दैट पाइसिस हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, दे आर पोइकिलोथर्मल, दे स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फिन्स हैं, ये सब आउटलुक टोटल अपीयरेंस हमने देख लिया. 12 पेयर किसमें होता है मैम? ओके, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग. फिशेज में आई टोल्ड यू अबाउट 10 पेयर्स, राइट? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 12 pairs, I'm not remembering 12 pairs kisme hota hai. Just wait a second, okay? Wait a second. Is confusion ko clear karte hain.
Okay, yes, it is 12 pairs actually. But it is not 12 pairs everywhere. It is 12 pairs of cranial nerves. So 7 में टू ऑफ अस वर कंफ्यूज. इट्स नॉट 7. जो लोग इतने देर से 12 कह रहे हैं दे वर एक्चुअली करेक्ट. सो इट्स 12 पेयर्स. 12 पेयर्स. ओके, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. पाइसेस में अगर हम देखें तो पाइसेस आर द ट्रू फिशेस दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फर्दर डिविजन्स. ठीक है, थ्री क्लासेस हम बोल सकते हैं. ठीक है, तीन क्लासेस में डिवाइडेड है पाइसेस. हम लोगों को सिर्फ दो ही डिटेल्स में पढ़ना होता है, ऑस्टिक्थीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज. व्हाई? बिकॉज प्लैकोडर्मी अगेन इज एक्सटिंक्ट. प्लैकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो प्लैकोडर्मी के बारे में ज्यादा नहीं जानना होता है. प्लैकोडर्मी के बारे में बस ये जानो कि देयर बॉडी वॉज कवर्ड विथ बोनी प्लेट्स. इनकी जो बॉडी होती थी दे वर कवर्ड विथ बोनी प्लेट्स. तो जैसे वॉर्स में जब योद्धा जो फाइटर्स होते हैं तो जब वो वॉर में जाते हैं तो दे वेयर एन आर्मर फॉर प्रोटेक्शन, राइट? सो दीज फिशेस दे लुक लाइक एज इफ दे आर वेयरिंग एन आर्मर. तो इनको आर्मर्ड फिशेस भी बोलते थे. ठीक है, आर्मर्ड फिशेस भी बोलते थे बिकॉज द बॉडी वॉज एक्सटर्नली कवर्ड विद बोनी प्लेट्स. इसका एक एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली नहीं पूछा जाता है बिकॉज एक्सटिंक्ट फिशेज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट जॉर्ड फिश, दिस वॉज द फर्स्ट जॉर्ड फिश. साइक्लोस टोमेटा वॉज नॉट जॉर्ड बट दैट वॉज द फर्स्ट फिश. दैट वॉज नॉट द ट्रू फिश. पर पहला जॉर्ड फिश कौन सा था? दैट वॉज प्लैकोडर्मी. ठीक है, ऑस्टिक्थीस और कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में अगर बात करें, ऑस्टिक्थीस ऑस्टिक्थीस विल हैव बोनी एंडोस्केलेटन. द एंडोस्केलेटन इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. Whereas chondrichthyes are having cartilaginous endoskeleton. इनका जो endoskeleton है, that is made up of cartilage. Osteichthyes can be marine, they can be freshwater, but chondrichthyes are always marine. ठीक है, chondrichthyes are always marine. Osteichthyes के mouth के बारे में अगर हम बात करें तो they have a terminal mouth. Osteichthyes जो होते हैं they have a terminal mouth. But if we talk about chondrichthyes, तो chondrichthyes में they have a वेंट्रल माउथ. शार्क को देखोगे तो उनका बॉडी, उनका माउथ जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा. तो कॉन्ड्रिक्थीज आर हैविंग वेंट्रल माउथ वेयर एज ऑस्टिक्थीज आर हैविंग टर्मिनल माउथ. इट्स ओके शेली, बोथ ऑफ अस गॉट कंफ्यूज्ड एक्चुअली, तो इट्स ओके. एक बार बस रिवाइज कर लेना चाह करके दोबारा से. फोर पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिक्थीज में एंड द गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपोक्यूलम. ओके, अगर आप किसी नॉर्मल फिश को देखोगे मार्केट में जो मिलती हैं फिशेस, इफ यू लुक एट अ नॉर्मल फिश यू विल सी दैट दे हैव दिस ऑपोक्यूलम प्रेजेंट हियर. उसका ऑपोक्यूलम हटाओगे तो यू विल सी द गिल्स. अंदर में गिल्स प्रेजेंट होती हैं. द गिल्स आर समवॉट लाइक दिस, ऐसे सी नजर आती हैं गिल्स. ठीक है, तो द गिल्स आर कवर्ड विद ऑपोक्यूलम इन केस ऑफ ऑस्टिक्थीज. पर कॉन्ट्रेक्टीज के केस में क्या होता है? द गिल्स आर विदाउट ऑपरक्यूलम. गिल्स में कोई ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, अब फिशेस हैं तो स्केल्स होंगे. ऑब्वियसली फिशेस हैं तो स्केल्स होंगे. ऑस्टिक्थीज के केस में कैसे स्केल्स होते हैं? द स्केल्स आर साइक्लॉइड और टीनॉइड. एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्टीज वी सी प्लैकॉइड स्केल्स. प्लैकॉइड स्केल्स दैट आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. ठीक है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं. एंड इन फैक्ट प्लैकोइड स्केल्स आर फॉर्मिंग टीथ. टीथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉन्ड्रिक्थीज में प्लैकोइड स्केल्स. एंड द टीथ आर वेरी पावरफुल इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज. कॉन्ड्रिक्थीज में आप किसी भी फिश को देख लो, वेदर इट इज योर डॉग फिश, दैट इज द शार्क्स. अलग अलग शार्क्स जो देखने को मिलते हैं तो उनकी टीथ इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है दैट दे कैन टियर द फ्लैश इन टू मेनी पीसेस. ओके, अब यहाँ पे स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं? तो ऑस्टिक्थीज में स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं. स्विम ब्लैडर्स आर आल्सो नोन एज एयर ब्लैडर्स. जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं स्विम ब्लैडर्स. सो इफ यू लुक एट अ कॉन्ड्रिक्थीज इट विल हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली. आप शार्क को अगर देखोगे तो शार्क कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती है.
व्हाई इट कीप स्विमिंग, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है तो दे कैन नॉट मेंटेन बायंसी, बायंसी नहीं मेंटेन कर सकते तो वो फ्लोट नहीं कर सकते, तो उनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्टिक्थीज शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड कॉन्ड्रिक्थीज शो इंटरनल फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज द मेल्स हैव समथिंग कॉल्ड क्लैस्पर्स। मेल्स के पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है बाय विच दे कैन होल्ड द फीमेल एंड दे कैन शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओवीपैरस होते हैं हमारे, ऑस्टिक्थीज आर ओवीपैरस, दे कैन ले ओनली द एग्स। एंड कॉन्ड्रिक्थीज आर वीवीपैरस, दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू यंग वंस। साइक्लॉइड फॉरवर्डली डायरेक्टेड होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स जो है ऐसा नहीं है कि वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होगा। ऐसे जो आप स्केल्स देखते हो ना गोल गोल इस तरह के, फिशेज हम जब बचपन में ड्रॉ भी करते थे तो इस तरह से ड्रॉ करते थे ना, ये सर्क्यूलर होता है इसलिए दे आर कॉल्ड साइक्लॉइड स्केल्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि साइक्लॉइड स्केल्स विल बी फॉरवर्डली डायरेक्टेड और प्लैकोइड इज बैकवर्डली डायरेक्टेड। प्लैकोइड के बारे में इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज प्लैकोइड स्केल इज एन इम्पोर्टेंट स्केल बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग द टीथ इन कॉन्ड्रिक्थीज। ओके, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें, ओके यू नीड टू रिमेम्बर कि पेल्विक फिन बेयर्स, कॉडल फिन बेयर्स, क्लैस्पर, ये किसका फीचर है? दैट इज द फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। ओनली कॉन्ड्रिक्थीज कैन शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओनली कॉन्ड्रिक्थीज विल बी विवीपैरस। कॉन्ड्रिक्थीज में एयर ब्लैडर नहीं होता है बिकॉज ऑफ विच दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली ताकि वो डूब ना जाए पानी में। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज में वी हैव प्रिस्टिस व्हिच इज आल्सो नोन एज द सॉ फिश। ठीक है, सॉ फिश इट लुक्स लाइक अ सॉ, जो आरी होता है ना, जो लकड़ी काटने की तरह नजर आता है, लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है, सो दे लुक लाइक अ सॉ, दैट इज प्रिस्टिस। स्कोलियोडॉन इज योर डॉग फिश विच इज अ शार्क। कैरकेरोडॉन, ये जितने भी डॉन्स होते हैं ना, डॉन पानी के जितने भी डॉन है, दे आर ऑल शार्क्स, तो कैरकेरोडॉन इज द ग्रेट व्हाइट शार्क। ट्राइगोन इज स्टिंग रे, स्टिंग रे। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, टॉर्पेडो। टॉर्पेडो और ट्राइगोन से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ट्राइगोन इज स्टिंग रे एंड टॉर्पेडो इज इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पेडो को अगर टच करोगे, टॉर्पेडो में कोई स्केल नहीं होता, टॉर्पेडो को अगर टच करोगे तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा एंड द शॉक इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन किल अ पर्सन इंस्टेंटली। तो ट्राइगोन इज स्टिंग रे, टॉर्पेडो इज इलेक्ट्रिक रे। अगर हम ऑस्टिक्थीज के बारे में बात करें तो एक्सोसिटस होते हैं हमारे पास विच इज द फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग क्या मतलब, आसमान में उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे बट दे फ्लाई टू सम एक्सटेंट, दे फ्लाई। इफ एनी ऑफ यू हैज वॉच्ड द लाइफ ऑफ पाई मूवी, लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी है अगर, तो उसमें एक सीन आता है जबकि ही इज वेरी हंग्री, पाई इज वेरी हंग्री, और जो उसका टाइगर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सम पटेल, तो पाई पटेल एंड द टाइगर दोनों बहुत हंग्री होते हैं उस टाइम पे, और अचानक से फिशेज उड़ते हुए आने लगती हैं। फिशेज, बहुत सारी फिशेज एक तरफ से दूसरे तरफ उड़ के जाने लगती हैं। सो दीज वर एक्चुअली एक्सोसिटस। एक्सोसिटस हैव द एबिलिटी टू फ्लाई। फ्लाई क्या मतलब, दे हैव वेरी पावरफुल मसल्स जिसके वजह से वो बहुत ऊंचा छलांग लगा सकती है। ठीक है, सो एक्सोसिटस इज फ्लाइंग फिश। तो अगर आपने, इफ यू हैव वॉच दैट मूवी, जिन्होंने देखा है, यू कैन रिलेट उड़ती हुई फिशेस। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू गो एंड लुक एट द वीडियोज ऑफ एक्सोसिटस, ओके, यू शुड। हिप्पोकैम्पस के बारे में अगर हम बात करें तो हिप्पोकैम्पस लुक्स लाइक अ हॉर्स। इसका सामने का जो माउथ होता है ना, दैट इज लाइक अ हॉर्स। तो हिप्पोकैम्पस इज एक्चुअली नोन एज सी हॉर्स। पानी में रहने वाले हॉर्स को, मराइन हॉर्स को हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस में एक स्पेशलिटी होती है, हिप्पोकैम्पस में द मेल टेक्स केयर ऑफ द बेबीज। ओके, सो द मेल इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, कैरिंग द एग्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द केस ऑफ प्रेग्नेंट मेल इन हिप्पोकैम्पस। पेरेंटल केयर नजर आता है हिप्पोकैम्पस के केस में। ठीक है, इनफैक्ट द मदर हैज नो रोल इन ब्रिंगिंग अप द यंग वन, इट इज जस्ट द मेल हिप्पोकैम्पस दैट ब्रिंग्स अप द यंग वन।
फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में अगर बात करें तो वी हैव लेबियो लेबियो रोहिता विच इज रोहू, कैटला विच इज कतला, क्लैरियस विच इज मांगुर, ओके। एक्वेरियम में मिलने वाली फिशेस बेटा फिश एंड टेरोफाइलम। टेरोफाइलम इज एंजल फिश जो कि, अच्छा हल्का हल्का देखे हैं, ओके। जिन लोगों ने देखा है पूरी तरह से लाइफ ऑफ पाई, उस सीन को भी देखा है, दे विल बी एबल टू रिकनकाइल, ठीक है। तो टेरोफाइलम क्या होती है? टेरोफाइलम एक प्यारी सी फिश होती है, एंजल फिश। इट हैज लॉट्स ऑफ विंग्स इन इट, तो ये बहुत सुंदर सी नजर आती है। बट बेटा फिश इज एक्चुअली द नॉटी वन, द फाइटिंग फिश। अगर बेटा फिश डाल दोगे एक्वेरियम में तो ये बाकी किसी फिश को रहने नहीं देगा। तो वी हैव टू कॉन्ड्रिक्थीज दैट आर फाउंड इन एक्वेरियम। वन इज योर बेटा फिश एंड द अदर वन इज योर टेरोफाइलम, दैट इज द एंजल फिश। यस, द नेम ऑफ द टाइगर इन लाइफ ऑफ पाई वॉज रिचर्ड पार्कर। यस, रिचर्ड पार्कर, ठीक है। पाई पटेल एंड रिचर्ड पार्कर, यस, थैंक यू। ओके, सो दिस वॉज अबाउट अ फिशेस, ठीक है। फिशेस के बारे में है ये। दोज ऑफ यू हु हैवंट गॉट योर पीडीएफ येट, आई विल सेंड यू द पीडीएफ टूडे इटसेल्फ फॉर श्योर, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक कंपाइल्ड पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे फॉर बोथ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बोथ, तो जो पानी में भी रहें और जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रहें, दे आर नोन एज एम्फीबियंस। टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इनके पास, टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड एंड टेल, हेड एंड ट्रंक, सॉरी, हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है। फर्दर डिविजन्स में यूरोडेला वगैरह में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपसे बस क्लास लेवल तक पूछा जाता है यहाँ पे, उससे नीचे ऑर्डर लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। एम्फीबियंस में, किसी किसी एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि ऑर्डर होता है एक यूरोडील्स, यूरोडेला, इसमें टेल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें टेल प्रेजेंट होता है इसलिए नाम यूरोडील एक्चुअली। तो द बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बट टेल कैन बी प्रेजेंट इन सम केसेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टेल प्रेजेंट है ही नहीं, टेल प्रेजेंट हो सकता है। फ्रॉग की बॉडी, एम्फीबियंस की बॉडी कैसी होती है? दैट इज मॉइस्ट, चिपचिपा सा होता है, उसे पकड़ोगे तो वो हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है। यस यस यस, कटल फिश, कटल फिश, कटल फिश इज नॉट इन पाइसेस, श्रेयस, कटल फिश पाइसेस में नहीं आता है। कटल फिश इज एक्चुअली कमिंग अंडर, कटल फिश कहाँ पे आता है? सीपिया, मोलस्का में आता है कटल फिश, ठीक है, फिश नहीं होता कटल फिश। द स्किन इज मॉइस्ट, आईज हैव आईलिड्स। आईज जो है फ्रॉग को अगर देखोगे तो उनका आंख खुल बंद हो सकता है, तो दे हैव आईलिड्स। नाउ अ फ्रॉग, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ फ्रॉग हियर, पता नहीं कितना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, बट आई विल जस्ट अटेम्प्ट ऐसे ही, मतलब जस्ट। ओके, दिस इज द वर्स्ट फ्रॉग दैट यू विल एवर सी, बट दिस इज अ फ्रॉग, ओके, दिस इज अ फ्रॉग, दिस इज अ क्यूट सा फ्रॉग, ओके, दिस इज अ क्यूट सा फ्रॉग। अब इस क्यूट से फ्रॉग में टिम्पैनम इज प्रेजेंट समवेयर हियर, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द टिम्पैनम। टिम्पैनम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो टिम्पैनम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ईयर। इनके पास कोई ओरिजिनल, कोई रियल ईयर नहीं होता, बट ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, टिम्पैनम बोलते हैं हम लोग उसे, तो टिम्पैनम इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर। क्लोका इज प्रेजेंट, दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज पॉइंट्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी एक्चुअली, तो डोंट लाफ एट माई फ्रॉग प्लीज, द फ्रॉग माइट गेट ऑफेंडेड। ओके, तो क्लोका क्या होता है? वेन द डाइजेस्टिव पाथ, एक्सक्रीटरी पाथ, मतलब जो एक्सक्रीशन का पाथ है, रिप्रोडक्शन का पाथ है, वो सारा जब सेम रहता है, व्हेन थ्रू वन ओपनिंग द एक्सक्रीटरी मैटर इज बीइंग रिमूव्ड, द वेस्ट मटेरियल इज बीइंग रिमूव्ड एंड द रिप्रोडक्टिव गेमीट्स आर रिमूव्ड और गेटिंग आउट, सो दीज, दैट इज नोन एज द क्लोआका। हाँ, समझने के लिए काफी है, दैट इज इनफ। तो क्लोआका क्या होता है? क्लोआका इज अ कॉमन पैसेज थ्रू विच बोथ एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस बाय लंग्स। जो एम्फीबियंस हमारे लैंड पे रहने लग जाते हैं, वो
वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, जो पानी में रहते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एंड समटाइम्स सम ऑफ द टोड्स दे कैन इवन रेस्पायर थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है बिकॉज दे हैव मॉइस्ट स्किन एंड विच इज वेरी गुड फॉर रेस्पिरेशन. द मॉइस्ट स्किन कैन हेल्प इन रेस्पिरेशन. ओके, हार्ट कैसा होगा इनके पास? तो हार्ट कैन बी थ्री चेम्बर्ड हार्ट. पहली बार थ्री चेम्बर्ड हार्ट नजर आ रहा है. फिशेस में हमने टू चेम्बर्ड हार्ट देखा था, यहाँ पे थ्री चेम्बर्ड हार्ट है. तो दे विल हैव टू एट्रियास और टू ऑरिकल्स एंड हाउ मेनी वेंट्रिकल्स? दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. ठीक है, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. पोइकिलोथर्मल है. पोइकिलोथर्मल है तो कोल्ड ब्लडेड होगा या वार्म ब्लडेड होगा? पोइकिलोथर्मल का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? टाइप टाइप पोइकिलोथर्मल है. ठीक है, सो शुड इट बी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड? Now the sexes are separate. The male and female will be separate. They will not be same. Hermaphrodite नहीं देखने को मिलता है. Fertilization is external. Yes, heart is three chambered. Poikilothermal है तो क्या होगा? Cold blooded या warm blooded? Okay, okay. Cold blooded. Yes, correct. Poikilothermal means cold blooded. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच इज अ बिट रेयर, मतलब ऐसे अगर हम इमेजिन करें तो इट इज, क्योंकि लैंड पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म है तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्चुअली. ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है द फीमेल विल रिलीज हर एग्स, द मेल विल फर्टिलाइज देम, एंड पेरेंटल केयर देखने को यहाँ पे मिलता है. पैटर्नल केयर देखने को मिलता है, फादर का केयर देखने को मिलता है. एम्फीबियंस आर वेरी फेमस फॉर पेरेंटल केयर एक्चुअली. अपने बच्चे को जहां तक नहीं छोड़ते हैं, दे विल स्टे विद देम, दे विल कैरी देम एट द ऑन देयर बैक. बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो कि अपने बैक पर अपने बच्चे को लेकर के घूम रहे होते हैं पूरे टाइम. सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे शो ओवी पैरस नेचर, दे आर एग लेइंग. ओके, दे आर एग लेइंग इन नेचर. अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो वी हैव ब्यूफो. ब्यूफो इज अ टोड. वी हैव राना टिग्रीना विच इज अ फ्रॉग. वी हैव हाइला विच इज अ ट्री फ्रॉग. वी हैव सैलमेंड्रा विच इज सैलमेंडर सैलमेंडर. वी हैव इक्थियोफिस विच इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. दिस इज इंपॉर्टेंट, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन. इक्थियो नाम जो है उससे लगता है कि फिश है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट अ फिश. गुड आफ्टरनून प्रीतम. दिस इज नॉट एक्चुअली अ फिश, दिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. ओके, दिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. ओके, हेमीडेक्टाइला भी एक होता है ना, हेमीडेक्टाइला इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हेमीडेक्टाइला भी एक होता है. हेमीडेक्टाइलस दैट इज द वॉल लिजर्ड जो कि आपको अपने दीवारों पर मिलता है, जो कि मेरे कमरे में बहुत ज्यादा है. तो हेमीडेक्टाइलस यू कैन सी इट इन योर हाउसेस. हेमीडेक्टाइलस इज द नेम आई गेस. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट इज गिवन यू इन योर एनसीईआरटी. इस चैप्टर में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको बाहर से एग्जांपल पूछा जाएगा. ठीक है, इस केस में, इस चैप्टर से आपको मोस्टली एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स रहते हैं, और खास करके कॉडेटा में बाहर से जो एनसीईआरटी में दिया है उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है. बिकॉज अगर कंपैरिजन करने जाए तो अगर इस पूरे चैप्टर से चार क्वेश्चन आना है तो कॉडेटा से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, बाकी तीन नॉन कॉडेटा से आएगा. कॉडेटा इज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट अगर हम नॉन कॉडेट से कंपेयर करें. ठीक है, चलो. टॉकिंग अबाउट क्लास रेप्टीलिया, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन वी नो. क्रीपर्स और क्रॉलर्स जितने भी, वेट अ सेकेंड, डिड आई जस्ट राइट हेमीडेक्टाइलस हियर? ये तो लिजर्ड होता है ना, हेमीडेक्टाइलस. सॉरी सॉरी, हेमीडेक्टाइलस को यहाँ से प्लीज रिमूव कर लेना. हेमीडेक्टाइलस यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज हेमीडेक्टाइलस इज अ लिजर्ड. रेप्टीलिया में आते हैं, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स कम इन रेप्टीलिया. तो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, सम मे हैव स्मॉल लिम्स, सम मे हैव लिम्स. कुछ के पास लिम्स नहीं होता, जैसे स्नेक्स के पास लिम्स नहीं होता, क्रोकोडाइल के पास लिम्स हो सकता है. दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल ही होते हैं. कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स नजर आते हैं जो पानी में रहने वाले सांप होते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर एक्वेटिक,
मगरमच्छ जो है वो पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, बट मोस्टली दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड. ठीक है, दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड, दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर एक्वेटिक, देयर फोर वी वोंट बी कॉलिंग देम एज टेरेस्ट्रियल. ठीक है, वी वोंट बी कॉलिंग देम एज टेरेस्ट्रियल, वी वोंट बी कॉलिंग देम एज एम्फीबियंस, वी वोंट बी कॉलिंग देम एज एम्फीबियंस, क्योंकि टेरेस्ट्रियल होते हैं ये मेनली. ठीक है, इनकी स्किन जो होती है ये मॉइस्ट नहीं होती है, ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है. कॉर्निफाइड मतलब अगर एक स्नेक को देखोगे तो यू विल सी सम प्रोजेक्शंस दिस वे, इस तरह का प्रोजेक्शंस, अलग अलग पैटर्न में प्रोजेक्शंस नजर आएंगे. ठीक है, सो दे हैव अ कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट. लिजर्ड का बायोलॉजिकल नेम क्या है? आई गेस दैट इज हेमीरेक्टाइलस, हेमीरेक्टाइलस है लिजर्ड का बायोलॉजिकल नेम. ठीक है, अभी लिखवा देंगे वैसे सारा, और पीडीएफ तो मिल ही जाएगा. एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं दे हैव एबिलिटी ऑफ शेडिंग देयर स्किन. तो आप टाइम टू टाइम देखोगे ये अपने स्किन को शेड करते हैं एंड दे ग्रो अ न्यू स्किन. ठीक है, न्यू स्किन ग्रो करते हैं. सांप का केचुआ देखने को मिलता है ना, जो हम बोलते हैं सांप ने अपने स्किन को डिस्कार्ड कर दिया एंड दे ग्रो अ न्यू स्किन ऑल टुगेदर. तो दैट इज नोन एज स्किन कास्टिंग. स्किन कास्टिंग इज सीन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स भी पोइकिलोथर्मल होते हैं. अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो दो पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे, नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, पर अगर ईयर जैसा कुछ होगा तो दैट इज टिम्पैनम. टिम्पैनम विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. तो टिम्पैनम विल बी रिप्रेजेंटिंग द ईयर. ठीक है, टिम्पैनम विल बी रिप्रेजेंटिंग द ईयर. हार्ट कैसा होता है? एम्फीबियंस की तरह ही होता है, ये एम्फीबियंस से ही इवॉल्व होते हैं एक्चुअली. सो दे हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड. एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, एंड दिस एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर इज वन एक्सेप्शन इन विच द हार्ट इज नॉट थ्री चेम्बर्ड बट द हार्ट इज फोर चेम्बर्ड, एंड दैट इज इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स. सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स कोई भी हर्माफ्रोडाइट नहीं होगा. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओवी पैरस होते हैं ये, एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट कहने का मतलब नो लार्वल स्टेज इज सीन इन दिस केस. चिलोन इज योर टर्टल, चिलोन इज योर टर्टल. टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइस. ये मैच द कॉलम में पूछा जाता है और बहुत बार गलती करते हैं. केमेलियन इज द ट्री लिजर्ड, जो कि अपना रंग बदलता है ना, दैट इज द ट्री लिजर्ड केमेलियन. कैलॉट्स इज द गार्डन लिजर्ड, कैलॉट्स इज द गार्डन लिजर्ड. क्रोकोडाइल को क्रोकोडिलस बोलते हैं. एलिगेटर का साइंटिफिक नेम भी एलिगेटर ही होता है. एंड यस, दिस इज द हाउस लिजर्ड और वॉल लिजर्ड, जो पूरे टाइम इधर उधर भागती दौड़ती रहती है घर में. दिस इज हेमीरेक्टाइलस. ओके, दिस इज हेमीरेक्टाइलस. यहाँ पे स्नेक्स नजर आते हैं हमें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड हियर. वन इज योर नाजा नाजा, जिसको कभी मत बोलना नाजा नाजा एक्चुअली, क्योंकि अगर सच में वो समझने लग जाए और ना जाए तो फिर तो शामत आ जाएगी. तो नाजा इज योर कोबरा. इसका नाम होना चाहिए जाजा जाजा, बट एक्चुअली इट्स नाजा. आई नो दैट्स अ बैड जोक. एनी वे, बैंगारस इज क्रेत. ठीक है, क्रेत बैंगारस. वाइपेरा इज वाइपर. दीज आर पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, बैंगारस एंड वाइपर. वाइपर स्नेक. ठीक है, तो दीज आर योर पॉइजनस स्नेक. टॉकिंग अबाउट क्लास एव्स, क्लास एव्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा. दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, उनके पूरे बॉडी पे फेदर्स होता है. मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. देयर आर फ्यू फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, दे कैन नॉट फ्लाई. वी हैव एन एक्सटिंक्ट बर्ड, दैट इज डोडो. डोडो इज एक्सटिंक्ट, इट इज नो मोर फाउंड. तो डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड नाउ, बट दीज वर फ्लाइटलेस बर्ड्स. फोर लिम्स, इनका जो फोर लिम्स समझ रहे हो ना, व्हेन द फ्रंट लिम्स, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. हाइंड लिम्स में हैव स्केल्स. हाइंड लिम्स जो क्लॉज की तरह काम करते हैं, जिनमें क्लॉज प्रेजेंट होता है, हाइंड लिम्स में इनके पास स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. स्केल्स होता है, ठीक है, हाइंड लिम्स में इनके पास स्केल्स होता है.
सो बेसिकली एप्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. कुछ रेप्टाइल्स जो उड़ सकते थे दे गॉट डेवलप्ड इन टू एप्स, और बाकी के जो रेप्टाइल्स थे डायनासोर पीरियड की अगर हम बात करें जुरासिक टाइम की, तो जो रेप्टाइल्स नहीं उड़ पाए दे आर थॉट टू हैव एक्सटिंक्ट, दे आर थॉट टू गॉन एक्सटिंक्ट. और जो रेप्टाइल्स उड़ पाए दे हैव इवॉल्व्ड इन टू एप्स बर्ड्स में. इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, दे हैव अ वेरी ड्राई स्किन, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है. देयर इज ओनली वन ग्लैंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीन ग्लैंड. इनके टेल के नीचे प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है. सो व्हेनेवर यू लुक एट अ बर्ड वेरी क्लोजली, आप देखोगे वो बर्ड बार बार अपने बीक से अपने टेल पे ऐसे कुछ कर रही होती है. दैट इज एक्चुअली इट इज एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम देयर, और वो अपने बर्ड अपने टेल पे ऐसे ऐसे अपने बीक से करती है. उसके बाद फिर यू विल सी कि वो अपने पंख को थोड़ा हिलाती है. दैट इज एक्चुअली शी इज लुब्रिकेटिंग हर बॉडी. ऑयल ग्लैंड से वो ऑयल को प्रोड्यूस करती है एंड देयर आफ्टर शी इज लुब्रिकेटिंग द बॉडी. आई विल ट्राई टू सेंड द नोट्स एज पॉसिबल पुष्कर, ठीक है? आज तो मिल ही जाएगा आपको, थोड़ा मेरा ही डिले हो गया. सो आई विल सेंड द नोट्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत जल्दी है, तो आई विल सेंड यू द नोट्स राइट अवे. आई विल ट्राई टू सेंड द नोट्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? एंडोस्केलेटन कैसा होता है? तो एंडोस्केलेटन इज बॉडी बोनी, सॉरी, एंडोस्केलेटन इज बोनी, बोन का बना होता है. बट इनका जो बोन्स होता है ना, जैसे हमारे बोन में बोन मैरो फिल्ड होता है, इनके बोन में बोन मैरो नहीं होता है, दे हैव न्यूमैटिक बोन. न्यूमैटिक बोन मतलब एयर फिल्ड होता है इनके बोन में, विच मेक्स देम लाइटर. क्यों क्यों ये है ये सारे अडेप्टेशन? ताकि बर्ड्स उड़ सके, ठीक है? सो दे डू नॉट हैव सॉलिड बोन, दे हैव हॉलो बोन्स. डाइजेस्टिव ट्रैक्स के पास क्रॉप और गिजर्ड होता है, जो कि इनको किसी भी तरह के खाने को तोड़ करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. दे हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट. नाउ दे आर वेरी सिमिलर टू मैमल्स, दे हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट. दे आर होम्योथर्मल. होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं. अपने इंटरनल टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकते हैं, बाहर का टेम्परेचर कैसा भी रहे, दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल फिजियोलॉजी. सो दे हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट सिमिलर टू मैमल्स, होम्योथर्मल सिमिलर टू मैमल्स. लंग्स प्रेजेंट होता है सिमिलर टू मैमल्स, बट इनके जो लंग्स होते हैं दैट इज कनेक्टेड टू एयर सैक्स. एयर सैक्स का काम क्या है? एयर सैक्स विल प्रोवाइड बायंसी अगेन. अगर सिर्फ लंग्स प्रेजेंट हो उनमें एयर सैक्स ना लगा हो तो बायंसी नहीं मिलेगा एंड दे वोंट बी एबल टू फ्लाई, वो उड़ नहीं पाएंगे एंड दे विल सिंक डाउन. तो इसीलिए जरूरी होता है एयर सैक्स का होना ताकि बायंसी मिले, सो दे कैन फ्लोट, दे कैन फ्लाई फ्लाई, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर एबसेंट होगा. ये सारे अडेप्टेशन क्यों है? यूरिनरी ब्लैडर एबसेंट है, न्यूमैटिक बोन है, एयर सैक्स है. इनफैक्ट दे आर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ताकि ये ज्यादा पानी ना यूज कर सके एक्सक्रीशन में, ठीक है? दे आर यूरिकोटेलिक, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. कौन से ऐसे तीन एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं? दिस इज गिवन इन योर एक्सक्रीशन वाला चैप्टर. कौन से तीन एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं? देयर सेक्सेस आर सेपरेट सो दे आर नेवर हर्माफ्रोडाइट. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपारस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, वी नो दैट, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सो नो लार्वा इज प्रेजेंट. यूरिक एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? यूरिक एसिड हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिल जाता है, स्नेल्स में मिलता है, यूरिक एसिड रेप्टाइल्स में मिलता है एंड बर्ड्स में मिलता है. दिस हैज बीन अ क्वेश्चन, ओके, दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन पास्ट, तो ये याद रखना यूरिक एसिड कहाँ कहाँ होगा. एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कोर्वस दैट इज क्रो, कोलंबा इज पिजन, सिटाक्यूला इज पैरट, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच. साइंटिफिक नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम्स. पेवो इज पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स इज पेंगुइन, नेफ्रॉन इज वल्चर. सो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, एप्टेनोडाइट्स, नेफ्रॉन, पेवो, स्ट्रूथियो, सिटाक्यूला, कोलंबा, कोर्वस. सिटाक्यूला में पी साइलेंट है, ठीक है? यस, लैंड स्नेल, बर्ड्स,
reptiles, these are having uricotelic nature. Coming to our own class, that is mammalia. Hum terrestrial hote hain, but we see aquatic mammals as well. Example is dolphin, example is whale. They can fly as well. Example is bat. Bats can fly. हमारे सबके पास दो पेयर ऑफ लिम्स होता है. वी हैव द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स. स्किन इज कवर्ड बाय हेयर. स्किन जो है हेयर से कवर्ड होता है. एंड इन मैमल्स द स्किन इज ग्लैंडुलर. स्किन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट हो या फिर सुडोरीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट हो. ओके, सो दिस इज वेयर ऑल द कंफ्यूजन स्टार्टेड. यस, 12 सर्वाइकल वर्टिब्रा होना चाहिए. Why am I still confused? Why am I still feeling like ki 7 cervical vertebra hota hai? I don't know, matlab I don't know. To theek hai, check karke iska correction kar lena. 12 cervical vertebra. Okay, diaphragm present hota hai. Mammals ke paas diaphragm present hota hai. Diaphragm kahan pe present hota hai? That is separating your lungs from your stomach. तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है. मैमरी ग्लैंड्स इज ऑफ कोर्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलिया. एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट. एक्सटर्नल ईयर ये पिना, जिसको पिना बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट. हेटेरोडोंट होते हैं बिकॉज ऑल द टीथ आर डिफरेंट. ऑल नॉट ऑल द टीथ बट डिफरेंट सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. जैसे कि इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, ऐसे अलग अलग टीथ मिलते हैं ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोडोंट. अगर सारे टीथ सेम हो, 7 होता है ना. क्या कर रहे हो तुम लोग? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है. क्या 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 करवा क्या रहे हो आज मैं इसे? तो हेटरोडोंट इज एक्चुअली व्हेन इट इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर. पुष्कर, हाँ ठीक है, 7 होता है ना. आई वॉज सेइंग 7, तुम लोग कहां से कहां ले गए, इवन आई गॉट कंफ्यूज. ठीक है, पर फिर भी आई चेक इट वंस. मेरा क्योंकि मन नहीं मान रहा कि 12 सर्वाइकल वर्टिब्रा, पता नहीं अंदर से वो आवाज आ रही है कि 7 7 7. ठीक है, तो एनसीईआरटी में 7 ही लिखा है ना, 7 होना चाहिए, 7 ही होगा फिर. अगर एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज योर बाइबल, एक्सेप्ट दैट. तो हेटेरोडोंट टीथ होता है, दे आर हैविंग डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ. इंसिजर्स प्रेजेंट है, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर. हेटेरोडोंट है. हार्ट हमेशा 4 चेंबर्ड होता है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल होते हैं. होम्योथर्मल होते हैं ये. होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं. रेस्पिरेशन इज ऑलवेज बाय लंग्स. सेक्सेस आर सेपरेट. यू विल सी नो हर्माफ्रोडाइट मैमल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. सम कैन बी ओवीपेरस, बट मोस्टली दे आर विवीपेरस. विवीपेरस होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. There is one exception जो कि oviparous है, that is your ornithorhynchus. Common name is platypus और ornithorhynchus is the scientific name. ठीक है, चलो और कुछ examples है यहाँ पे. One is your macropus, one is your pteropus. Pteropus is bat. What is macropus? Macropus is kangaroo, I guess. Kangaroo है शायद macropus. Camelus is camel. Macaque is monkey. Rattus is rat. Canis is a dog. Felis is cat. Google की बात नहीं मानते हैं, ठीक है. Google को तो I have started following वो क्या था, Wikipedia, very long time. I have stopped following Wikipedia for a very long time. Wikipedia तो छोड़ी दो. तो stick with 7 pair of cranial nerves, ठीक है, 7 pairs पढ़ना. Eliphas is elephant. Equus is horse. Delphinus is dolphin. Balaenoptera is, Balaenoptera kya tha? I guess it is whale. Balaenoptera ek baar check karna. Balaenoptera is whale, I guess. Panthera tigris aur Panthera leo to sabhi jante hain. Tiger and lion. So these are your mammals. Hum kya hain? We are homo sapiens. We are homo sapiens. ठीक है, कभी इससे जनरली डायग्राम नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से. यू वॉन्ट गेट द डायग्राम्स. जनरली डायग्राम्स नहीं पूछेंगे क्योंकि इनके डायग्राम्स में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है.
तो डायग्राम को अगर मतलब बस समझने के लिए देख लेना डायग्राम। इनके अगर रियल इमेजेस देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन सारे मैमल्स को तो आप देख ही चुके हो, ऐसा कोई मैमल नहीं है जिसको कि आप नहीं देखे हो। प्लैटिपस को भी बहुत सारे लोग देख ही चुके होंगे, डक बिल प्लैटिपस, ऐसे लंबा सा चोच होता है डक की तरह। तो डक बिल प्लैटिपस इज देयर। क्रेनियल एंड सर्वाइकल आर सेम? नो, ऑफ कोर्स दे आर नॉट सेम। सर्वाइकल एंड क्रेनियल आर नॉट सेम। पहले में हम क्रेनियल लिखवाए थे क्या? तो दिस इज सर्वाइकल, सेवन सर्वाइकल वर्टेब्रा। ठीक है, क्रेनियल एंड सर्वाइकल आर नॉट द सेम शेली। क्रेनियल नर्व्स आर डिफरेंट, क्रेनियल नर्व्स इज डिफरेंट एंड सर्वाइकल वर्टेब्रा इज डिफरेंट। क्रेनियल वर्टेब्रा और सर्वाइकल को कंफ्यूज मत करो। क्रेनियल नर्व्स होता है और सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है। ठीक है, वैसे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आई विल ट्राई टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर वर्टिब्रेट चैप्टर, दिस वाज योर वर्टिब्राटा, एंड वी आर डन विथ एनिमल किंगडम विद दिस। इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विथ मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम्स। कल है हमारा क्लास, तो एवरीवन हु वांट्स टू अटेंड दिस क्लास ऑफ मॉर्फोलॉजी, आई विल सी यू टुमारो एट 12 PM। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ क्रैश कोर्स जहां पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वी आर डिस्कसिंग दैट। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग एनसीईआरटी एक बार रीड करके आओ। ठीक है, और एनिमल किंगडम आप पूरे एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना। सो विद दिस वी आर ऑल्सो डन विद द यूनिट वन। यूनिट वन कंप्लीट होता है हमारा। कंग्रेचुलेशंस टू मी टू। मॉर्फोलॉजी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टेल मी, कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, या फिर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन रेगुलर टच विथ मी, हु आर इनरोल्ड इन सेक्शन, आप अलग से भी डाउट सेंड कर सकते हो। यू कैन सेंड मी द डाउट्स, आई विल अटेंड टू द डाउट्स हियर इन दिस सेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यू विल गेट द डीपीपीज बाय टुडे। टुडे होपफुली आपको डीपीपीज मिल जाएगा, और यू विल गेट दिस पीडीएफ टुडे फॉर श्योर। ठीक है, रात तक मैं आपको ये पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। वील कीप इट टिल हियर, कीप स्टार्टिंग, वील स्टार्ट विथ मॉर्फोलॉजी टुमारो। ओके, एंड दैट इज इट। चलो ठीक है, थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, दैट्स इट। चलो, बाय बाय।